तो गोल्डी बरार का कानून के शिकंजे में आना हिंदुस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि इस गैंगस्टर का नेटवर्क इतना बड़ा था कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से से कहीं भी बैठकर किसी भी वारदात को अंजाम देने की हैसियत रखता था। कहते हैं गोल्डी खुद तो कैनेडा में रहता था लेकिन पाकिस्तान में उसके गहरे कनेक्शन है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर 29 मई 2022 को मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास हुआ था। उस शूटआउट को शूटरों के दो मॉड्यूल ने अंजाम दिया था। उन दो मॉड्यूल में शामिल शूटरों के मोबाइल से एंड शूटआउट के वक्त अगर कोई उनसे संपर्क में था तो वो कोई नहीं, यही शख्स था, यानी गोल्डी बराड। पुलिस की पकड़ में आए सिद्धू मूसेवाला मर्डर के तमाम शूटरों ने इसी गोल्डी बराड का ही नाम सबसे पहले अपनी जुबान से निकाला। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बराड से कई बार बातचीत की और सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल से रची गई। असल में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल एक गैंगवार का नतीजा बताया जा रहा है। असल में साल 2021 के अगस्त में मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया था और उससे दुश्मनी ठान ली थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के पीछे पंजाब का बॉम्बिहा गैंग था और उसी बॉम्बिहा गैंग का साथ दे रहा था दिल्ली का सबसे नामी गैंग नीरज बवानिया गैंग। जबकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के अलावा गोल्डी बराड ने ली थी और वो भी सोशल मीडिया के जरिए। जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस वक्त जो एक नाम सामने आया था वो आया था गोल्डी बराड का। एजेंसियों को पता था कि वो उस वक्त कनाडा में मौजूद है, हालांकि पुलिस ने उसे कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आने वाले वक्त में उससे कई मामले खुलेंगे। जांच में बात सामने आई है कि भारत में यानी सिर्फ पंजाब में ही उसके खिलाफ 16 मामले दर्ज थे जबकि दिल्ली में एक मामला दर्ज था। बहरहाल अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। आप जरा इस नक्शे को भी गौर से देख लीजिए, क्योंकि दुनिया भर के नक्शे में हिंदुस्तान से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक गोल्डी बराड कानून को धता बताता घूम रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर के सिलसिले में जिन शूटरों को गिरफ्तार किया और उनसे हथियारों के बारे में जो कुछ भी सामने आया उसे सुनकर खुद पुलिस के होश फाकता हो गए। जरा दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में पकड़े गए शूटरों खासकर प्रियवर्त और फौजी से मालूम पड़े हथियारों की उस लिस्ट पर एक नजर दौड़ा लेते हैं जिसने खुद दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, AK-47 राइफल से माउंट होने वाले लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, असॉल्ट राइफल, 20 राउंड, 3 पिस्टल स्टार पिस्टल, 30 बोर, 36 राउंड, 7.62 मिलीमीटर के कारतूस, AK-47 राइफल का एक हिस्सा। हथियारों की ये लिस्ट देखकर कोई भी चौंक सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी एक आदमी को मारने के लिए ऐसे ऐसे हथियार कभी इस्तेमाल हुए ही नहीं। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।